असद व गुलाम मुठभेड़ का सीन दोहराया गया। पारीछा डैम के समीप 13 अप्रैल की सुबह मुठभेड़ में मारे गए अतीक का बेटा असद व शूटर गुलाम के मामले में जांच शुरू हो गई है। जांच दल ने मंगलवार को मौके पर एनकाउंटर का सीन रिक्रिएट कराया। इसके साथ साथ पास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए। बड़ा गांव थाना क्षेत्र में पारीछा डैम के समीप जंगलों में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में 5-5 लाख के इनामी असद और गुलाम मारे गए थे। दोनों के पास से विदेशी पिस्टल मिली थी। मुठभेड़ को लेकर उठे सवालों पर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। अतीक व अशरफ को शेर बताने वाला गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उन्हें शेर बताकर पोस्ट डालने के आरोपी बिथरी पुलिस ने रामगंगानगर कॉलोनी निवासी राजिक अली को गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेज दिया है। उसके खिलाफ 22 अप्रैल को सब इंस्पेक्टर अमरीश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। अमरीश कुमार ने कहा था कि राजिक अली रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में रिसेप्शनिस्ट के पद पर तैनात है। उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भारी पड़ गया। शिकार करने का बहुत शौक है, शेर को जंजीरों में जकड़ कर मारते हो, ये उन्होंने पोस्ट किया था। अतीक का जीजा अखलाक निलंबित, बर्खास्तगी होगी। उमेश पाल के हत्यारों को पनाह का है आरोप। गिरफ्तारी के बाद से नैनी जेल में है बंद। मेरठ के अब्दुल्लापुर सरकारी अस्पताल में तैनात माफिया डॉन अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद को निलंबित कर दिया गया है। उनकी बर्खास्तगी की तैयारी है। अखलाक की को बीते 2 अप्रैल को एसटीएफ ने मेरठ के नौचंदी इलाके से गिरफ्तार किया था।